everyone. How are you all? कैसे हो सारे के सारे दोस्तों? बेहतरीन हो, शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो। चलो जी, चलो जी, चलो जी। तो शुरू करें आज का हमारा सेशन। तो कल हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और जी कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। तो मजा आया था आप लोगों को पढ़ करके। हाँ जी, तो जिन बच्चों ने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है, वो मुझे एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पे मेरी फ्री क्लासेस होती है और उन फ्री क्लासेस का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करेंगे, है ना। वहां पे जो स्पेशल क्लासेस होती है वो पूरी तरीके से फ्री होती है ना, ये बहुत अच्छे से पता है बहुत सारे बच्चों को। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, जाइए और फॉलो करिए और फ्री क्लासेस का फायदा उठाइए, ठीक है। चलो, तो शी डज नॉट हैव सम मनी, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर मान लो सेंटेंस आपके नेगेटिव होता है, क्योंकि ये सेंटेंस आपके नेगेटिव है तो यहाँ पे सम का प्रयोग गलत हो गया, हमें एनी का प्रयोग करना पड़ेगा तो सेंटेंस आपके सही होगा, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में सम लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, वो कंपैरिजन करने का काम करती है ना। डिग्री जो है वो एडजेक्टिव की तुलना करने का काम करती है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती है वो आपके कंपैरिजन करने का काम करती है। और अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो टोटल 3 टाइप की डिग्री होती है। पहली जो होती है उसे हम बोलते हैं आपके पॉजिटिव डिग्री, दूसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं आपके कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी जो होती है उसे हम आपके क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। पहली पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री जो है वो आपके कोई भी कंपैरिजन को नहीं शो करती, है ना। शोज जनरली ये कोई कंपैरिजन को शो नहीं करती, जनरली शोज नो कंपैरिजन, जनरली किसी कंपैरिजन को शो नहीं करती। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो आपके दो के बीच में कंपैरिजन शो करती है, कंपैरिजन बिटवीन टू। तो जब हम दो के बीच में कंपैरिजन हमें दिखाना होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री आपके ग्रुप के बीच में कंपैरिजन दिखाती है ना, कंपैरिजन इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर कंपैरिजन दिखाना होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे ना। ये हाईएस्ट क्वालिटी को शो करता है, एक ग्रुप में किसी व्यक्ति की या किसी चीज की हाईएस्ट क्वालिटी को शो करने का काम करता है ना। हाईएस्ट क्वालिटी को शो करने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सेंटेंस सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट बुक। तो यहाँ पे दो किताबों के बीच में चर्चा हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। एक तो है आपके दो यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, पहली यूनिट है आपके दिस बुक और दूसरी यूनिट आपके कौन सी है, फर्स्ट, और ये सेकेंड यूनिट है ना। तो यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, हमने कौन सी डिग्री लगाई, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करा। लेकिन अगर बच्चों मान लो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करूंगा, तो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करने के लिए मुझे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मुझे ये सेंटेंस देखो, छठे सेंटेंस को ध्यान से देखो, ऑल द बुक्स वर इंडेड इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ऑल द बुक्स आपके किसको डिनोट कर रही है, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या ये आपके ग्रुप को डिनोट कर रही है क्या? हाँ या ना में जवाब दो, बल्कि हाँ सर ये ग्रुप को डिनोट कर रही है।
ऑल द बुक्स का मतलब हो गया सारी किताबें, है ना, सारी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये वाली किताब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, है ना, दैट वन वॉज द मोर इंटरेस्टिंग, नहीं ये मोर इंटरेस्टिंग नहीं, मोस्ट इंटरेस्टिंग करो, मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट वन वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है आप लोगों को? सबको क्लियर है? कल फिर मैंने आप लोगों को बोला था ये पोजीशन गलत हो गई आर्टिकल दे की, है ना, सेवंथ में दी होल चैप्टर होना चाहिए, होल दी चैप्टर की बजाय मैंने आपको बताया था कि द होल चैप्टर करोगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ भाई न्यूज आपके लास्ट हो सकती है या लेटेस्ट हो सकती है? सॉरी बच्चों थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, न्यूज आपके हाँ जी हाँ प्रोनाउन कंप्लीट हो गया ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ये क्या बच्चे बोल रहे हैं? रिलाय का मीनिंग होता भरोसा करना, है ना, रिलाय का मीनिंग होता भरोसा करना, तो यहाँ पे हम लास्ट नहीं करेंगे, हम लेटेस्ट करेंगे ना, ऑफ दी लास्ट न्यूज नहीं लेटेस्ट न्यूज ऑफ द डे। रामी जूनियर देन श्याम एंड ओल्डर देन गणेश। रामी जूनियर टू, जूनियर करेंगे, जूनियर अपने बाद में टू लेता है प्रेपोजिशन, ठीक है। देखो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं यहाँ पे, इधर देखो, ये लैटिन एडजेक्टिव कहलाते हैं और ये अपने बाद में टू प्रेपोजिशन लेते हैं, इनके बाद में हम देन का प्रयोग नहीं करते, इनके बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं। जनरली आप क्या देखते हो कि कंपेरिजन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं ना। देखो जैसे कि सेंटेंस देखना, राम इज स्मार्टर देन श्याम, राम इज स्मार्टर देन श्याम, राम श्याम से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। अजय इज वाइजर देन सुनील, अजय सुनील से ज्यादा वाइजर है ना, राम इज स्मार्टर देन श्याम, अजय इज वाइजर देन सुनील, ठीक है। तो यहां पे आपने देन कंजंक्शन को देखा, लेकिन देखो एक सेंटेंस देखना, मैंने सेंटेंस लिखा विशाल इज स्मार्टर, विशाल इज जूनियर। अब आपको जूनियर का जैसे प्रयोग कराना, अब आपको टू लगाना, देन नहीं लगाना, टू मी करेंगे, प्रेपोजिशन है अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। अच्छा ये जूनियर की कैटेगरी में आने वाले लैटिन कंपैरेटिव कौन कौन से हैं? ये है आपके, ध्यान से देखो भाई, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर सुपीरियर, जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर, प्रायर एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब हो गया पहले का, पोस्टीरियर यानी कि बाद का। ये ऐसे सात ऐसे लैटिन कंपैरेटिव है जिनके बाद में हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या आप लोगों को? ठीक है बोलो भाई, सबको क्लियर है? इन सात का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें, ठीक है। चलो भाई आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 से 16 की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। द मिलिटेंट्स एंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट, ठीक है,
और विद गन्स हिडन इन दियर क्लोथ्स। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से देखो बच्चों, ये आउट की सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आउट की सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात हो रही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चर्चा करो। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करो, कोशिश करो आपके कि इसको सही आंसर आप कर पाओ, कोशिश करो, अपने बुद्धि बल का प्रयोग करो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो है ना, जिन लोगों को एटमोस्ट का मतलब, देखो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, है ना, आउट की जो कंपैरेटिव होती है बच्चों, वो आपके एक तो आउटर तो होता था और पुराने टाइम में अटर भी होता था, लेकिन अटर जो है वो अब केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री के रूप में इस्तेमाल होता है। ये आपके पॉजिटिव डिग्री हो गया है ना। उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री आपके होते थे इसके दो, आउटर और आउटर मोस्ट और अटमोस्ट। ठीक है, और ये अटमोस्ट का मतलब होता है टू दी हाईएस्ट डिग्री, टू दी हाईएस्ट डिग्री या इंटेंसिटी, है ना। और ये किसके साथ में कोलोकेट करता है, ये अटमोस्ट आता है आप लोगों के इधर देखना, किसके कैसे शब्दों के साथ में आता है, कोलोकेट करता है अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया बहुत अधिक इंपॉर्टेंस जिसको मिलनी चाहिए ना, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस जिसको मिलनी चाहिए। ठीक है, अटमोस्ट रेस्पेक्ट मतलब जिसको बहुत अधिक रेस्पेक्ट दिया जाता है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस मतलब बहुत अधिक इंपॉर्टेंस वाला, अटमोस्ट रेस्पेक्ट बहुत अधिक रेस्पेक्ट वाला, अटमोस्ट केयर बहुत अधिक जिसको केयर करने की जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंस रेस्पेक्ट और केयर जैसे शब्दों के साथ में कोलोकेट करता है ये वर्ड, और इसका मतलब होता है ना बहुत अधिक जिसकी डिग्री है ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, दिस मैटर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, दिस मैटर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि ये मैटर जो है वो बहुत अधिक महत्व का है। इंपॉर्टेंस महत्व वाला होता है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस अत्यधिक महत्व वाला, अत्यधिक महत्व वाला। इस गिफ्ट का तुम्हें अटमोस्ट केयर रखनी है, मतलब बहुत ध्यान पूर्वक लेके जाना है ना। अटमोस्ट का मतलब होता है आपके टू दी हाईएस्ट डिग्री, है ना, क्लियर है आप लोगों को। लेकिन लेकिन ये जो आउटर मोस्ट होता है इसको समझना भैया ना, ये बेसिकली आपके बाहर का, सबसे बाहर का, बाहरी, सबसे बाहरी। आउट का होता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सबसे बाहरी आपके आउटर में कहलाता है। आशीष तुरी थैंक यू। यार बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड केयर। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस आप लोगों के सामने है, इधर देखना भाई, बालिका सत्या, ये श्रुति त्रिपाठी इधर बताना, बालिका, हाँ जी इधर देखना, गेट आपके अटमोस्ट होगा या आउटर मोस्ट होगा, गेट आपके सबसे भारी होगा या आपके बहुत अधिक महत्व का होगा। गेट के महत्व के बारे में, बहुत अधिक महत्व के बारे में बात हो रही है, सबसे भारी गेट के बारे में बात हो रही है, बताओ। यहाँ पे हम अटमोस्ट का प्रयोग ना करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटर मोस्ट का प्रयोग करेंगे, जो सबसे बाहर वाला गेस्ट है।
सबसे बाहर वाले गेट से उन्होंने एंटर किया और अपने अंदर क्या छिपा रखा था, अपने क्लोथ्स में, अपने क्लोथ में उन्होंने गन्स जो है वो छिपा रखी थी, है ना। ये करेंगे ना, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। शी कांट सिंग मच मच देन फोर सॉन्ग्स, तो मच नहीं आएगा यहाँ पे, कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो मोर लगाओ, ठीक है, मच और मैनी, इनकी जो कंपैरेटिव होती है वो मोर और मोस्ट होती है, मच की कंपैरेटिव मोर, सुपरलेटिव आपके मोस्ट होती है ना, तो चूंकि यहां पे कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करना है तो आपको मोर लगाना पड़ेगा। बेटा मेरा भी शुरू होने वाला हूं, बोर्ड पे शुरू करूंगा ना। श्रीकांत सिंह मोर देन फोर सॉन्ग्स एट ए स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच ही इनफॉर्म। हाँ जी, आगे देखो आगे देखो आगे देखो, 12वां। इट इज वेल नोन दैट मिसेस गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ आर टाइम, है ना, फर्स्ट पॉलिटिशियन। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि इंदिरा गांधी जी हमारे देश की या अपने टाइम की पहली पॉलिटिशियन होगी, ऐसा पॉसिबल है क्या, अपने समय की पहली पॉलिटिशियन होगी, ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, ये जो एरर पूछा गया है ये इन दो एडजेक्टिव के ऊपर पूछा गया, एक होता है फर्स्ट और एक होता है फोरमोस्ट, और इस फोरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट नोटेबल, जिनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती थी, मोस्ट नोटेबल और वेरी वैल्यूएबल, है ना, मोस्ट नोटेबल, मोस्ट नोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, अपने समय की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके क्या होती थी, वो एक पॉलिटिशियन हुआ हुआ करती थी, है ना, और ये बात सही है। अपने समय की बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन हुआ करती थी अपने समय की, है ना, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट का प्रयोग नहीं करना, यहाँ पे हमें फर्स्ट का प्रयोग नहीं करना, फर्स्ट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपके गलत हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फोरमोस्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है मोस्ट नोटेबल, मोस्ट नोटेबल होता है ना। देयर नॉट मच बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्वेश्चन नंबर 13वां देखो, मच बुक्स करेंगे या मैनी बुक्स करेंगे, देयर नॉट मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, बोलो भाई, अरे मैनी करेंगे ना, किताबें आपके काउंटेबल होती है और काउंटेबल के लिए मैनी आता है, अनकाउंटेबल के लिए मच आता है, काउंटेबल के लिए मैनी आता है, अनकाउंटेबल के लिए मच आता है, काउंटेबल के लिए मैनी आता है, अनकाउंटेबल के लिए मच आता है। हाँ जी, आगे देखो, लेस बुक्स आर नीडेड फॉर द लाइब्रेरी, प्लस पर बेटा अभी टेंथ चल रहा है, टेंथ खत्म हो गया, आप वर्ब पढ़ाएंगे, लेस बुक्स आर नीडेड फॉर द लाइब्रेरी, देखो ध्यान रखो, लेस लिटिल की कंपैरेटिव होती है और यहां पे लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा, फ्यूअर, फ्यूअर बुक्स आर नीडेड फॉर द लाइब्रेरी, है ना भाई। देखो कंपैरेटिव फॉर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम किसके लिए कौन सी कंपैरेटिव फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं ना, जैसे अगर हम बात करें आपके लिटिल की, है ना, तो लिटिल आपके पॉजिटिव डिग्री होती है, लेस इसकी कंपैरेटिव फॉर्म होती है और लीस्ट इसकी सुपरलेटिव फॉर्म होती है, फ्यू आपके पॉजिटिव, फ्यूअर आपके कंपैरेटिव और फ्यूएस्ट आपके सुपरलेटिव। अच्छा ये आप सब लोगों को बताइए, आपके काउंटेबल नाउन के लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होती है और ये आपके काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होती है, तो ऐसी नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए आप फ्यू का प्रयोग करो, फ्यूअर का प्रयोग करो, फ्यूएस्ट का प्रयोग करो, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम लिटिल, लेस और लीस्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लेस बुक्स है जो गलत हो गया क्योंकि किताबें तो काउंटेबल होती है, तो फ्यूअर का प्रयोग करेंगे, एक किताब, दो किताब, 10 किताब, 20 किताब, किताबों को गिन सकते हैं, तो फ्यूअर बुक्स करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, मूव करें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बढ़िया
बोलो भाई लोग, अरे बच्चे लोग शुरू करें। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज कश्मीर। आओ भाई आओ। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज कश्मीर। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर है ना, इक्वल कंपैरिजन करो। प्लस पे नया बैच अभी स्टार्ट करने वाले हैं। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज कश्मीर है ना, क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज कश्मीर। इधर देखो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला मेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज दैट ऑफ कश्मीर। दैट कर देंगे तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा। दैट कर दो, या मतलब ये क्लाइमेट के लिए आ रहा है आपके, क्योंकि आपके कंपैरिजन इक्वल करो। क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से करोगे तो सेंटेंस आपके सही होगा, ठीक है। क्लाइमेट का कंपेरिजन अगर आपने कश्मीर से कर दिया तो कश्मीर तो आपके शहर हो गया और क्लाइमेट आपके एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है। कंपेरिजन इक्वल नहीं है और इक्वल कंपेरिजन नहीं है तो सेंटेंस आपके गलत हो गया, ठीक है। ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, कि जितने भी मेटल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रीशियस कौन सा है? गोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपके एरर जो हो गया वहां पे, इसमें सी पार्ट में हो गया, अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर अदर का प्रयोग हम नहीं करते हैं दोस्तों ना, क्योंकि अदर किसी एक को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है और जब आप किसी एक को डिनोट कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। जब किसी एक को डिनोट कर दोगे तो मामला आपके गड़बड़ हो जाएगा। सो द गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स, नहीं ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स है उनमें गोल्ड आपके बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। क्लियर है? हाँ जी, अदर हटा दो के सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 की तरफ। बेहतरीन सेंटेंस है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली, द लेटेस्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोटर व्हीकल। ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली, द लेटेस्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोटर व्हीकल। आंसर करो, अपने बुद्धि बल का प्रयोग करो, आंसर करो।
हाँ जी, और मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली द लेटेस्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ. अब देखो यहाँ पे इन्होंने तीन, देखो ध्यान रखो, लेटेस्ट जो होता है वो आपके टाइम का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, सबसे नया, सबसे लेटेस्ट, सबसे नया, ठीक है. और जो लास्ट होता है ना, ये आपके क्रम का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑर्डर का. अब जब आप लोगों को तीन सिटी के नाम दिए, फर्स्ट मुंबई, सेकंड कोलकाता एंड थर्ड दिल्ली, अब यहां पे वो बोल रहा है कि जो दिल्ली है उसके पास में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोटर व्हीकल है ना. अब ये क्रम है, पहले क्रम पे मुंबई था, दूसरे क्रम पे कोलकाता था, तीसरे क्रम पे दिल्ली था. तो यहाँ पे द लेटेस्ट आपके गलत हो गया. आपको क्या करना पड़ेगा, द लास्ट करना पड़ेगा. द लास्ट हैज दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोटर व्हीकल, तो सेंटेंस आपके सही हो गए. प्लीज ओपन योर बुक एट 20 पेज, पेज 20 है ना, पेज 20 करो, पेज 20, 20वें पेज पे खोलो ना, क्योंकि 20 पेज का मतलब हो गया 20 पेज, लेकिन पेज 20 का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक पेज हो गया. समझ रहे हो मेरी बात, ये डिफरेंस हो गया. 20 पेज का मतलब हो गया 20 पन्ना, और जब हम लिखते हैं पेज 20, तो इसका मतलब हो गया आपके, पेज 20 का मतलब हो गया स्पेसिफिक पेज. कौन सा पेज, 20 नंबर वाला पेज है ना. अरे समझ रहे हो क्या, आसान बात है ना. हाँ जी, इंडिया इज मोर ब्यूटिफुल, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो. इंडिया इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो दुनिया में जितने भी कंट्री है उनमें इंडिया सबसे ब्यूटीफुल है. कंपैरेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग हमें करना पड़ता है, तो यहाँ पे एनी अदर कंट्री करो. सुपरलेटिव डिग्री में अदर मत लगाना, कंपैरेटिव डिग्री में एनी के साथ में या ऑल के साथ में अदर का प्रयोग करना. एनी अदर कंट्री या ऑल अदर कंट्री, ठीक है, कंट्रीज. यहाँ पे एनी अदर करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट, आप लोगों के सामने टेलीविजन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल देन यूजफुल. मच नहीं, मोर हार्मफुल, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मोर हार्मफुल करो. क्लियर है, अरे भाई शाहिद फारूक यार, मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूं, तेरे को क्या समस्या हो रही है. फुल सपोर्ट करा यार बच्चों को, और क्या चाहिए. हाँ मोर हार्मफुल करेंगे, मोस्ट हार्मफुल नहीं, विकास शर्मा, मोर हार्मफुल करेंगे. कंपैरेटिव डिग्री आ रही है ना, कंपैरेटिव देन, देखो देन आ रहा है, इस वजह से मोर हार्मफुल करेंगे. लिटिल नॉलेज ऑफ शू मेकिंग दैट ही हैड प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू हिम. दैट ही हैड प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू हिम. क्वेश्चन नंबर 21 बता दो भाई जल्दी से, त्रिपाठी जी जल्दी से बताओ. फ्यू नॉलेज है ना,
देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द। हाँ आर्टिकल द लगाना, द लिटिल नॉलेज ऑफ शू मेकिंग दैट ही हैड प्रूव टू बी वेरी यूज। ए आएगा, द आएगा। अब ये द क्यों आएगा, इसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे, आज इतना ही लेंगे अपन, ठीक है? तो बाकी के क्वेश्चंस को देखो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? ये देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो मेरा रेफरल कोड लगा करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में, तो वो क्या कर सकता है, अपनी कैटेगरी चूज करे एसएससी एग्जाम्स और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करे एंड रेफरल कोड लगाए मेरा हर्ष 11, 6,000 रुपये का प्लान, 12 साल, साल भर का प्लान चूज करे, रेफरल कोड लगाए, उसको डिस्काउंट मिल जाएगा 600 रुपये का, उसके बाद में क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।